हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी महादेवी। आज मैं आप लोगों को हैदराबाद स्पेशल मिर्ची का सालन बताऊंगी, जो पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी के साथ भी ज़बरदस्त होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेंगे। ग्रेवी के लिए एक पैन रख के पैन के अंदर हम लोग 2 स्पून धनिया डालेंगे, 1 स्पून जीरा, दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 स्पून पीनट्स, पीनट्स रोस्ट होने के बाद इसके अंदर तिल डाल देंगे। तिल आधा रोस्ट होने के बाद इसके अंदर 2 स्पून कोकोनट पाउडर डाल देंगे। इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसमें से कच्चा स्मेल चले जाना चाहिए, उतना फ्राई कर लेंगे। और फिर से पैन रख के उसके अंदर 1 स्पून ऑयल डाल के ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक बाउल रख के इस बाउल के अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसके अंदर मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, 1 नींबू के साइज जितना इमली डालूँगी। इन दोनों को अच्छे से उबाल लेंगे। चलिए मसाला ग्राइंड कर लेंगे। पहले तो धनिया और जीरा पाउडर कर लेंगे, उसे सेपरेट निकाल के रख लेंगे। इसके बाद जार में ऑनियंस और पीनट, तिल, कोकोनट का जो रोस्ट करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। हरा धनिया, डेढ़ स्पून रेड चिल्ली पाउडर। ये मोटे वाले मिर्ची होते हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। अभी दूसरी तरफ कढ़ाई रख के कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल के हम मिर्ची को आप जितना साइज़ में चाहे उतने साइज़ में कट करके इसे रोस्ट कर लीजिए। अच्छे से फ्राई करना चाहिए। इसके बाद उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसका कच्चा स्मेल गए तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 1/2 स्पून हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी जो मसाला ग्राइंड करके रखे हैं हम लोग उसे भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे मिर्ची और मसाले को। और जार में डाल के जो पानी बचा था वो पानी डाल देंगे। डाल के इसे अभी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर जो टमाटर और इमली को उबाल के रखे हैं उसका खटाई डाल देंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक। आप लोग चाहे तो इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। अभी जो जीरा और धनिया का हम लोग पाउडर करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। अभी आप जितना लिक्विड चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिए। मैं यहाँ 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अभी इसे ढक के मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। इसे थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। लास्ट में ऊपर से करी पत्ता और थोड़ा धनिया डाल के अच्छे से मिला के उतार लेंगे। इसे डिश आउट कर लेंगे। अपना करी रेडी हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।